लॉकडाउन जो लगा है तो मतलब वो इसमें एक दो मरीज जो मतलब निकल के आ गए कोरोना के, उनकी वजह से इन्होंने मतलब हॉस्पिटल को सील कर दिया। मतलब बिल्कुल आपके बहनों ही लगते हैं? जी हाँ, लगते नहीं हैं, आपकी बहनों ही हैं। सबसे बहन छोटी है उनके घर। कहाँ पे कैंसर है आपको? जवान में, मतलब जहाँ आखिरी दाढ़ होती है उसके सामने को, मतलब जवान के अंदर। आप बोल सकते हो? नहीं ना बोल सकते, ना मुँह खुला है इनका, मुँह नहीं खुलेगा। दिखाओ थोड़ा, इससे ज़्यादा मुँह नहीं खुलता आपका? नहीं। तो ये घर में कमाने वाले कौन हैं? इनके घर में कमाने वाले बस यही हैं, इनके साथ में तीन बच्चे हैं, हमारी बहन है, मतलब पांच मतलब फैमिली है, पांच बहन होगी। क्या काम करते थे मेरे भाई? ये सब्जी मतलब फल लगाते थे, चाहे वो जो गुटखा से हो गया या ऊपर वाले की मर्जी से हो गया, जैसे भी हो गया, मतलब इनको अब जो है जवान के अंदर कैंसर हो गया। अब ये वहाँ तो घर में इनके मतलब तीन बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, और अब भाग दौड़ आप करते हैं? जी हम जो जिससे जितनी हमसे हो सकती है उतनी हम करते हैं, बाकी जो। क्या नाम है इनका? क्या नाम? तौफीक अहमद। तौफीक अहमद जी। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आबिद। आबिद, तो कितने दिनों से इनको ये कैंसर है? कैंसर तो इनको चाहे आगे ज़्यादा होगा, लेकिन अब जो है करीब 11 महीने हो गए इनको यहाँ आए हुए मेरे पास। परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही खूब बढ़िया वाली। घर में राशन वगैरह ईद आ रही है तो कैसे करते हैं? अब वो तो मतलब सब लोगों का ही सहारा है, मतलब जितना हमसे हो रहा है जितना हम कर रहे हैं। ये तौफीक भाई हैं, रहने वाले यूपी के हैं, पीलीभीत एक इलाका पड़ता है यूपी में, और इस वक्त ये हैं दिल्ली इलाके में। दिल्ली इलाके का गुरु तेग बहादुर कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ हैं। अब तौफीक की उम्र देख सकते हैं, ज़्यादा उम्र नहीं है, तीन बच्चे हैं, वाइफ हैं, और इनके जो साले हैं वो खुद इनके साथ में इनकी मदद कर रहे हैं। काफ़ी हद तक परेशान है। परेशान नहीं होना, देखो सब चीज़ खुदा ने दी है ना, वही देने वाला है, वही करने वाला है। इज्जत भी, जिल्लत भी, परेशानी भी, बीमारी भी, तमाम चीज़ें कौन देता है मेरे भाई, ये बताओ। ये तो खैर ऊपर वाले की मर्जी है, ऊपर वाले की मर्जी है ना, तो वही ठीक करेगा, उसी के सामने रोना है, गिड़गिड़ाना है। और दवाई सुन्नत है, दवाई करनी है। अभी हमसे जो हो सकता है हम अपने भाई की तौफीक की मदद करना चाहते हैं, कुछ पैसे देकर कि कम से कम ईद पे अपने बच्चों में तो जा सके। एतराज़ सुनिए ना आपको? नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब इनके हालात ही इस तरीके से हैं, हम क्या एतराज़ करेंगे, या हम हमारी इतनी हैसियत होती तो अब हम कुछ करते। रोना नहीं है मेरे भाई, रोना नहीं है। ये देख सकते हैं एक 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 भाई का दर्द देख सकते हैं, ये इनके बहनों ही हैं, और अपना काम छोड़कर ये इनको दर दर की ठोकरें खा के उठा के फिर रहे हैं। इलाज नहीं हो रहा है कोरोना की वजह से, अस्पताल सील हैं। तौफीक भाई, ये मतलब ये है पैसा है भाई, है ना तौफीक भाई, घबराना नहीं है, ठीक है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, जिसने आपको परेशानी दी है वही ठीक करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों की मदद किया करो दोस्तों, और ऐसे लोग आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।